नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube फैमिली मैजिकल एजुकेशन में। और दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत में पढ़ रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। और इसमें आज हम लोग दोस्तों पंचमी विभक्ति को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके पहले पांच चैप्टर ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। पाँच चैप्टर में से पहला चैप्टर तो आपका पूरा इंट्रो था, जिसमें मैंने ओवरऑल आपको कारक और विभक्ति से जो रिलेशन होता है वो समझाया था। देन उसके बाद हमारा जो चैप्टर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये जो लेसन हुए वो कुछ ऐसे हुए कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीय और चतुर्थी, ऐसे चार विभक्ति हमने कवर किया। और आज हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है, इसमें हम लोग पंचमी विभक्ति को कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपका यहाँ तक ये जो सिलेबस है यहाँ तक पूरा कवर हो चुका है। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और पीछे का लेसन जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना। जब आप सारे विभक्ति सीख लोगे तो आपको संस्कृत में जो अनुवाद करने का होता है वो आप वीडियो देखना, मैंने 3 अनुवाद के भी वीडियो बना रखे हैं, तो आपको वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी कि कैसे अनुवाद किया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट कि अगर आपके नॉलेज में कोई भी ऐसा बच्चा है, कोई भी एस्पिरेंट, वो आपका दोस्त है, आपके रिलेटिव्स, आपके क्लासमेट हो या फिर आपके छोटा बड़ा भाई बहन, कोई भी अगर वो JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर वो फिजिक्स पढ़ना चाहें तो वो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मुझे फॉलो करके वो सारे कोर्स देख सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज मैं अपने चैनल पे, तो मतलब इस चैनल पे अपने मैजिकल एजुकेशन पे, इस पे तो बहुत सारे JEE के कोर्स बना ही रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने वहाँ पे अनअकैडमी पे भी बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं, बहुत सारे लेसन्स बना रखे हैं। 300-400 लेसन्स तो आज की डेट में बन चुके हैं, ठीक है, 350 के आसपास। तो वो सारी चीज़ें फ्री हैं, एकदम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करना है और वो सारी वीडियोस वो देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो JEE की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर वो JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये ज़रूर बताइएगा उनको। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो है पंचमी विभक्ति, इसका जो कारक होता है ना वो आपादान कारक होता है, ओके। तो आपादान का क्या मतलब होता है? आपादान का मतलब होता है अलग होना, पृथक होना, ठीक। तो पृथक होने के योग में अर्थात अलग होने में, जो पदार्थ स्थिर हो, जो पदार्थ रुका हुआ हो, उसकी आपादान संज्ञा और उसमें पंचमी विभक्ति हम लगा देते हैं। अब समझने वाली बात है, देखिए लॉजिकल है ना। बालक भवनात् अवतरति, जो बालक है, जो बच्चा है, वो भवन से अवतरित होता है, उतरता है। तो देखो, बालक भवन से अलग हुआ, ठीक है, बालक जो है भवन से उतर गया, तो बालक भवन से अलग हो गया, इसका मतलब आपादान कारक, अलग होने का भाव आया ना, तो आपादान कारक, ठीक है। अब किससे अलग हुआ? भवन से। स्थिर कौन है, बालक या भवन? तो भवन स्थिर है, तो भवन में चला गया आपका पंचमी विभक्ति, मतलब भवनात्। समझ में आया कि किसमें लगाएंगे पंचमी विभक्ति और कब लगाएंगे? देखो, सेकेंड है आपका कि माता जो है वो कुएं से जल लाती हैं, मतलब माता कुपात जलम आनयति, ओके। अब माता जो है वो जल कहाँ से ला रही? कुएं से। तो वो कुएं से अलग हो रही हैं, जल लेकर कुएं से अलग हो रही हैं, तो यहाँ पे आपादान कारक का बोध हुआ है, ठीक है। किससे अलग हो रही है और कौन अलग हो रहा है? तो माता अलग हो रही है किससे? कुएं से। तो दोनों में स्थिर कौन है? कुआं स्थिर है, माता मूव कर रही है, तो माता चल रही है, तो कुआं स्थिर है, तो कुएं में लगा दिया पंचमी विभक्ति, कुपात हो गया। ऐसे विद्यालय, विद्यालय में क्या हो गया? विद्यालयात, छात्रा विद्यालयात आगच्छन्ति, छात्र विद्यालय से आते हैं, तो कौन विद्यालय से आता है? छात्र आते हैं। अब विद्यालय से आने का मतलब विद्यालय को छोड़ के आ रहे हैं, विद्यालय से अलग हो रहे हैं, मतलब आपादान कारक। आपादान कारक अब विभक्ति किस में लगेगा? तो जो स्थिर है, कौन स्थिर है? विद्यालय। छात्र तो गति कर रहे हैं, वो तो आ रहे हैं, तो विद्यालय में लग गया आपका आपादान कारक से पंचमी विभक्ति, मतलब विद्यालयात। तो वही चीज़ है कि भवन, कूप मतलब कुआं, विद्यालय, इन सब में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये रूल काम करेंगे। कुल 8-9 नियम है, चलिए एक एक करके सारे नियम हम लोग पढ़ लेते हैं और कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो उपपद विभक्ति अब इसकी आती है, अब उसमें सारे रूल्स देख लो आप। पहला आपका रूल आता है कि भय या रक्षा वाला जो अर्थ वाले जो होते हैं धातु, जैसे भी, त्रस, रक्ष, त्रय, ये धातु के प्रयोग में जिससे डर लगे या जिससे रक्षा की जाए, इसमें हमेशा पंचमी विभक्ति लगेगा। जैसे भी और त्रस का एग्जांपल देखो, चौरा रक्षता, रक्षकात विभेति या त्रस्याति,
जो चोर है वो आपका सिपाही से डरता है, तो यहाँ डरने का भाव आ रहा है ना, तो डरने के भाव की वजह से देखो रक्षकात, ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, ये चला गया पंचमी विभक्ति में। या सिंहात भीतः मृग अधावत, सिंह से डरा हुआ मृग भाग गया, तो किससे डरा हुआ, किससे अलग हुआ, सिंह से अलग हुआ, तो सिंह जो है वो स्थिर है, मृग भाग गया, तो स्थिर वाले में आपका लग गया क्या, आपका कौन पंचमी विभक्ति, ऐसे सिपाही में लग गया पंचमी विभक्ति और सिंह में लग गया पंचमी विभक्ति, तो जो स्थिर होगा जो आपादान कारक में आएगा उसमें लगेगा पंचमी विभक्ति। ऐसे ही अगला भी रक्ष और त्रय वाला है, ठीक है, वीरा बालकम सिंहात रक्षति, वीर बालक की सिंह से रक्षा करता है, तो किससे रक्षा किया, सिंह से, ठीक है, तो सिंह से, इसमें से लग रहा है ना, से आपका होता है इसका, याद है ना, से आपका चिन्ह होता है, इसी से पहचानते हैं, तो सिंहात इस ये स्थिर है, ठीक है, तो ये आपका हो गया पंचमी विभक्ति। इसी तरीके से आप सब कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका रूल है उसमें कौन कौन शब्द है, देखो जुगुप्सा इसका मतलब होता है घृणा करना या निंदा करना, विराम मतलब रुकना, प्रमाद मतलब भूल या लापरवाही या आलस, ये तीनों जगह यूज होता है। इन वाची इस टाइप के वाची जो धातु होते हैं इनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लो, चलिए सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जुगुप्सा का एग्जाम्पल देखो आप, भक्ता पापात जुगुप्सते, मतलब भक्त पाप से घृणा करता है, तो किसे घृणा करता है, पाप से, ठीक है, तो ये आपका चला गया पंचमी विभक्ति में, ठीक। ऐसे वीरम का देखो, धीर कर्तव्यात न विरमति, धीर कर्तव्य से नहीं रुकता, तो आपादान कारक में कौन है, कर्तव्य से, तो कर्तव्यात ये पंचमी विभक्ति में हो गया। ऐसे प्रमाद, ये प्रमाद होगा, प्रमाद छात्र पठनात प्रमाद्यति, छात्र पढ़ाई से आलस्य करता है, तो किससे आलस्य करता है, पढ़ाई से, यह आपादान कारक, तो इसमें चला गया आपका पंचमी विभक्ति, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री में क्या है, अगर कौन कौन शब्द आ रहे हैं, पृथक बिना नाना, इन सब का मतलब होता है बिना, इनके योग में आपका द्वितीया तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है, मतलब पृथक बिना नाना लाइन से द्वितीया तृतीय और पंचमी विभक्ति, ठीक है, तो ये आप याद रख लो, तीनों का मतलब तो बिना होता है, लेकिन अगर आपको पृथक लगा है तो हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, बिना लिखा है तो तृतीय विभक्ति लगाएंगे, और नाना लिखा है तो पंचमी विभक्ति लगाएंगे, ठीक है, और तीनों में ही आपका आपादान कारक से रिलेटेड होना चाहिए। पुस्तकात बिना कथम पठिष्यसि, तो पुस्तकात देखो ये चला गया ना पंचमी विभक्ति में, ठीक है, तो ये आपका चलेगा। ओके, नेक्स्ट रूल आता है आपका कि निवारण हटाने के, मतलब निवारण जो है ये हटाने के लिए अगर निवारण है, तो आपका अर्थ वाली ये ऐसी कोई धातु आती है ना, तो यहाँ जहाँ से हटाया जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, जिस भी चीज़ से हटा दिया जाए, जैसे गुरु नरम अधर अधर्मात निवार्यति, मतलब गुरु नरम अधर्मात निवार्यति, मतलब जो गुरु हैं वो मनुष्य को अधर्म से हटाते हैं, नरम मतलब मनुष्य, गुरु मनुष्य को अधर्म से हटाते हैं, ठीक है, तो किससे हटा रहे हैं, अधर्म से, तो जिससे हटाया जाएगा वो चला गया पंचमी विभक्ति में, ठीक है। अच्छा, नी व्री और रिच इनका योग से जो होता है वो भी जाता है आपका पंचमी विभक्ति में, ठीक है, जैसे देख सकते हो आप कृषक यभ्यो गाम वार्यति, जो आपका किसान है वो ये विभ्यो मतलब कि जौ के खेतों से गाय को हटाता है, तो कहाँ से हटा रहा है, खेतों से, ठीक है, तो ये आपका चला गया क्या, जौ के खेत पूरा, ये चला गया आपका पंचमी विभक्ति में, ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे देख सकते हो। पापात जनान, जनान जनान नहीं, अविद्या से, तो अविद्याया जनान नहीं, ये तो लोगों को हो गया ना, हाँ अविद्या, ये चला गया आपका पंचमी विभक्ति में, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नियम नंबर 5 में कहता है कि नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में पढ़ाने वाले में पंचमी विभक्ति लगेगा, जो पढ़ा रहा है उसमें पंचमी विभक्ति रहता है, जैसे कि बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है, बाला अध्यापकात संस्कृतम पठति, कौन पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहा है, लेकिन किससे पढ़ रहा है, जो पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक, अध्यापक से, या आपादान कारक में है, तो इसको आप कर दो अध्यापक अध्यापकात, ठीक है ना। छात्रा गुरु गणितम पठन्ति, छात्र गुरु से गणित पढ़ते हैं, कौन पढ़ा रहा है, गुरु पढ़ा रहे हैं, तो गुरु, ये चला गया आपका पंचमी विभक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जन या प्रभू, मतलब कि उत्पन्न होना, वो मतलब उत्पन्न होना, इन धातुओं के कारण जो भी आपके बनेंगे वो किसमें होंगे, पंचमी विभक्ति में, ठीक है। जैसे जन का देखो आपका क्रामात क्रोध अभिजायते, तो काम से क्रोध क्या होता है, उत्पन्न होता है,
ठीक है, तो इसमें काम से आपादान कारण, तो ये आपका मात चला गया पंचमी विभक्ति। प्र और भू का देखो, गंगा हिमवत प्रभवती, तो इसका क्या होगा, गंगा हिमालय से प्रवाहित होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है, तो गंगा हिमवत क्या हो जाएगा, हिमालय, हिमवत मतलब हिम के पर्वत और हिमालयात मतलब हिमालय, दोनों बोल सकते हो, तो हिमालयात आपका ये चला गया पंचमी विभक्ति में, ठीक है। तो इस तरह के शब्द हर हर एक विभक्ति मैंने ऐसे ही बता रखा है, पुनः सारे जितने भी हैं सारे वर्ड सारे शब्द सारे नियम याद करो। देखो इसमें कई सारे शब्द हैं आपके, सातवां नियम, अन्य मतलब डिफरेंट भिन्न, आरात मतलब दूर या पास में, इरत मतलब दूसरा, ऋते मतलब बिना, पूर्वम मतलब प्रत्येक, उदक मतलब उत्तर, दक्षिणा मतलब दक्षिण, बही मतलब बाहर, और प्रभित्री मतलब से लेकर, अनंतरम मतलब पर बाद में, परह मतलब बाद में, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, आरंभ मतलब से लेकर, ये जितने भी हैं सब पे आपकी क्या लगेगी, पंचमी विभक्ति। एक दो एग्जांपल मैं दे देता हूँ, बाकी आप देखना। जैसे एक ये देखो, ग्रामात आरात वनम अस्ति, अब देखो इसमें से कौन सा ये लग रहा है, आरात ये वाला सेकंड वाला, ये देखो ठीक है, आरात मतलब दूर या पास होता है, तो गांव से वन दूर है, ठीक है, तो किससे दूर है, गांव से दूर है, तो गांव से वाला मतलब ग्रामा चला गया पंचमी विभक्ति। ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल उठा लो आपको ऐसे ही दिखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे छात्र कक्षाया बही तिष्ठति, तो बही देखो ये है आपका बाहर, ये शब्द आया ना, तो आपको क्या करना होगा, विद्यार्थी कक्षा से बाहर खड़ा है, तो से किस में लगा, कक्षा से, तो कक्षा ये चला गया पंचमी विभक्ति कक्षाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, कौन कौन से शब्द हैं, तो उनको आपको ध्यान देना होगा कि उसमें जिसमें भी आपादान कारक का बोध हो जाए मतलब से लगा हो, तो वो आपका चला जाएगा पंचमी विभक्ति में। लास्ट में दो नियम और ये भी देख लो, नहीं तीन नियम है, ये भी देख लो। नेक्स्ट है दूर या अंतिक शब्दों के साथ द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, मतलब द्वितीय का भी तृतीय का भी और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। जैसे दूरम ग्रामम ग्रामीण ग्रामात्वा, तो ग्रामीण भी लगा सकते हैं और ग्रामात भी लगा सकते हैं, क्योंकि दूरम वद शब्द का प्रयोग हुआ, अंतिकम शब्द का प्रयोग हुआ, तो ग्रामीण या ग्रामात दोनों चलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे द्वितीय भी लगा सकते हो, तृतीय भी लगा सकते हो और पंचमी भी लगा सकते हो। नेक्स्ट नियम कहता है कि आरंभ या उपपत्ति स्थान जहाँ से वस्तु उत्पन्न हो, जहाँ से शुरुआत हो, उसमें आपकी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती उद्भवती वा, अब प्रभवती मतलब वहाँ से उत्पन्न होती है, उद्भवती मतलब वहाँ से उत्पन्न होती है, एक ही बात है दोनों, तो गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है, तो किससे उत्पन्न होती है, हिमालय से, तो हिमालय में आपका क्या लग गया, पंचमी विभक्ति। जहाँ से कोई भी वस्तु उत्पन्न होगी, शुरुआत होगी, आरंभ होगी, उसमें पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है तुलनात्मक, जब दो में से एक वस्तु की तुलना की जाए, और तरफ इर्सुन एलियसुन एरियस ये सारे शब्द मिले आपको, तो इन शब्दों में आपका जो है वो पंचमी, जिससे तुलना होगी, जिस भी चीज से तुलना होगी उसमें आपकी पंचमी विभक्ति आ जाएगी, ठीक है। जैसे तरह तरा तरम ये आता है तरफ में, ईयस में आपका ईयान ईयसी ईयस, लघु में लघुतर लघुतरा लघुतरम, लघियान लघियसी लघियस, गुरु में गुरुतरा गुरुतरा गुरुतरम, गरियान गरियसी गरियस, ये सारे शब्दों में आपका अगर आते हैं तो उसमें जिससे भी तुलना होगी उसमें हम पंचमी विभक्ति लगा दें। तो ये आपके 10 नियम थे, और इन 10 नियम को अगर आप समझ लेते हो अच्छे से फॉलो करते हो, तो आपको कहीं पे भी पंचमी विभक्ति में दिक्कत नहीं होने वाली, अगर 10 नियम को आप जान लेते हो तो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो प्रथमा था, द्वितीय था, तृतीय था, चतुर्थी और पंचमी, सब में कुछ ना कुछ नियम थे, ठीक है। द्वितीय सबसे ज़्यादा लंबा था, आपने देखा होगा, तो सारे नियम जान लो। इसके बाद पंचमी, अब तो षष्ठी है बचा है, और दूसरा बचा सप्तमी, दोनों बहुत बड़े नहीं हैं, थोड़े छोटे छोटे हैं, इवन पंचमी से तो छोटे ही हैं, ठीक है। तो इनको बस डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको मैं तीन वीडियो जो ऑलरेडी बना दिया है मैंने उसके बारे में बता दूंगा लास्ट में, कि वो आप देख लेना संस्कृत में अनुवाद करने के और जो नियम है। तो विभक्ति तो यहाँ से सीख जाओगे, और संस्कृत में और अनुवाद कैसे करते हैं वो वहाँ से सीख जाओगे, तो पूरा आप संस्कृत में अनुवाद करने का नियम जान जाओगे, ठीक है, कैसे अनुवाद करते हैं क्या होता है, ओके। तो इस लेसन में इतना ही, कहीं पे भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर लेसन अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा जरूर। कैसे बताओगे, लाइक बटन को तोड़ करके, जल्दी से लाइक बटन को नीला कर दीजिए और तोड़ डालिए, और सब्सक्राइब बटन तोड़ दीजिए, बेल तोड़ दीजिए, मतलब सब कुछ तोड़ फोड़ मचाइए फटाफट, और हमारे साथ बने रहिए, ऐसे लेसन देखते रहिए, और जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।